उपमंडल गोहर के चौचौक पंचायत घर के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश राज्य खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड द्वारा एक दिन का जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नाचन के विधायक विनोद कुमार ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की। हिमाचल प्रदेश राज्य खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने स्थानीय पंचायत प्रधानों सदस्यों व विभिन्न पंचायतों से आए हुए ग्रामीणों को खादी ग्रामो उद्योग द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्कीमों के बारे में अवगत करवाया। उपमंडल गोहर के चोल चौक पंचायत घर के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक दिन का जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नाचन के विधायक विनोद कुमार ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की। हिमाचल प्रदेश राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने स्थानीय पंचायत प्रधानों सदस्यों व विभिन्न पंचायतों से आए हुए ग्रामीणों को खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्कीमों के बारे में अवगत करवाया। विस्तार से जानकारी देते हुए पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि क्षेत्र के छोटे कारोबारियों को अपने कार्य को बढ़ाने के लिए खादी ग्रामोद्योग द्वारा सस्ती दरों पर लोन भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। मंडी जिला में अब की बार 29 नई यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है व हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 454 यूनिट स्थापित की जानी है के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर नाचन के विधायक विनोद कुमार, मुरारी लाल राणा, मनोज ठाकुर, मुकेश चंदेल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। 30% सब्सिडी, 5% जो मार्जिन मनी जमा करवाएंगे, अगर 1,00,000 रुपया आप लेंगे तो 40,000 को सब्सिडी के साथ 40,000 रुपया जो है आपके वहाँ पे एफडी होगी, क्योंकि हमारी उस समय एफडी वहाँ पे रखी थी और एफडी होगी। और अगर 1,00,000 आपने दिया लिया है तो 1,00,000 का ब्याज नहीं आपने देना, आपने केवल 60,000 का ब्याज देना, 60,000 से आपकी किस्त शुरू होगी। और कितनी अच्छी योजना हमारी सरकार ने, मैं गुलेरिया जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप उपाध्यक्ष बड़े थे और जब आप मंडी आए थे तो पहला कार्यक्रम आपने नाचन विधानसभा क्षेत्र की महादेव पंचायत में किया, और आज हमें फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि कल आप आए थे और शाम को जब बात हुई तो मैंने कहा इस तरह का कार्यक्रम आपने करा तो हमें अपने विभाग के संबंधित वहां पे जानकारी देनी है, और मैं समझता हूं जो जानकारी आपके माध्यम से यहां पे मिली है, आपके विभाग के माध्यम से जानकारी मिली है, मेरा सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से निवेदन रहेगा, भैया जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी को और लोगों के बीच में शेयर करना, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, राम करने वाली सरकार नहीं है, तो इस सरकार का जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से आज नाचन क्षेत्र के चैल चौक के इस स्थान पर अवेयरनेस कैंप में आज भाग लिया, और हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हिमाचल में लोगों को क्या क्या सुविधा देना चाहता है उसके बारे में भी विस्तृत यहाँ पे जानकारी दी गई। जिस तरह से मंडी जिला का जहाँ तक संबंध है, इस वर्ष का टारगेट हम मंडी जिला में लेके चले हैं 29 औद्योगिक यूनिट लगाने का टारगेट है, और जिनके माध्यम से कम 232 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का टारगेट लिया है। जिस तरह से मंडी का टारगेट है उसी तरह से प्रदेश का टारगेट भी हमने इस बार 454 यूनिट नए स्थापित करने का लक्ष्य लिया है, और उसके माध्यम से 2,842 ऐसे नौजवानों को जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने का लक्ष्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले वर्ष के टारगेट को भी हमने 145% अधिक अचीव किया था, और मुझे लगता है कि हम भी ये जो लक्ष्य लिया है हमने 454 यूनिट लगाने का प्रदेश भर में, इसे कहीं आगे जाकर हम इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इसके पीछे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सोच तथा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, जो कि गांव में जो बसे गरीब और हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना है, उनकी सोच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
इस अपने माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो इस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं।